जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ। दोस्तों, 4:04 हुई है, आफ्टरनून की 4:04। अभी मार्केट 34 मिनट्स पहले बंद हुआ था, तो आज मार्केट लगता सब छुट्टी में ही गए हुए हैं, ऐसा मार्केट ने बिहेव किया। तो सबसे पहले बैंक निफ्टी देख लेते हैं। बैंक निफ्टी आज 345.95 का ओपनिंग किया, सॉरी 237.90 का ओपनिंग किया। आज साल का पहला दिन था तो 237.90 रुपया का ओपनिंग किया, 348 का हाई बनाया, 32057 का लो और 32102.90 क्लोजिंग। सबसे इंटरेस्टिंग बात क्या कि कल के लो के नीचे क्लोज किया है। कल का बैंक निफ्टी का लो था 108.75, 32,108.75, और आज की क्लोजिंग ही उसके नीचे आई है। तो बैंक निफ्टी क्लियर कट वीकनेस दिखा रहा है, ज़्यादा कुछ बोलना नहीं पड़ेगा। और दूसरा, ये दूसरी कंसेक्यूटिव क्लोजिंग है 10 EMA के नीचे। पहली कल आ गई थी 161 की जब क्लोजिंग आई थी, और आज दूसरी क्लोजिंग आ गई है 102 की। तो और इसका 10 EMA आप लोग देख सकते हो, 162 है अभी। तो दोनों दिन इसके नीचे क्लोज किया है 10 EMA के, तो इसमें वीकनेस लगभग तय है। अब इसका 20 EMA एक सपोर्ट का काम करेगा, दैट इज़ 31,974। उसको तोड़ दिया तो बहुत ख़राब हो जाएगा। तो यहाँ एक सपोर्ट मिलेगा कल, देखते हैं, 950 के आसपास इसको एक सपोर्ट मिलेगा छोटा सा। अगर वो सपोर्ट नहीं टिक पाया तो पहला टारगेट आप 31,000 ही ले लीजिए सीधा। वीकनेस तो क्लियर कट दिखा रहे हैं। अब आ जाइए निफ्टी पे। निफ्टी ने आज ना तो कल का हाई तोड़ा ना कल का लो, और आप देखो आज हमारा सेल और बाई दोनों एक्टिवेट नहीं हुआ, क्योंकि हमारा बाई था 240 के ऊपर और सेल था 160 के नीचे। तो आज का हाई बना 222 और लो बना 165, तो ना सेल एक्टिवेट हुआ ना बाई। लेकिन हमारा जहाँ सेल था उसके आसपास ही क्लोज किया है 182। तो निफ्टी में आज कंफ्यूजिंग कैंडल बना, लेकिन इसमें भी एक कंफर्मेशन है कि ये दोनों दिन 10 EMA के नीचे क्लोज किया। आज 184 के नीचे क्लोज किया है और कल भी 10 EMA के नीचे क्लोज किया था। तो आज की क्लोजिंग है 182। तो दोनों दिन इसने भी 10 EMA के नीचे क्लोज किया है, तो कहीं ना कहीं अब ये 20 EMA को टेस्ट करेगा, दैट इज़ 131। तो देखते हैं क्या होगा। ये वीकनेस तो दिखा रहा, क्योंकि देखिए इसका 50% लेवल के ऊपर अगर क्लोज कर देता, जो कल की रेड कैंडल बनी उसके 50% लेवल के ऊपर क्लोज करता, तो 195 के ऊपर अगर क्लोज करता आज, तो कुछ ना कुछ पॉजिटिव आता था इसमें। तो कल इसमें भी गिरावट है, डरने की कोई बात नहीं है। तो दोनों में कल भी गिरावट है, और सीधे सीधे हम लेवल देख लेते हैं। भूख भी लग गई मुझे, और आज नया साल है तो भी सेवा में हाजिर हूँ दोस्तों, तो आप भी प्यार बनाए रखिए। कल भी सेलिंग का अच्छा दिन रहेगा। बैंक निफ्टी कल अच्छा करेक्शन करेगा। कल 12,205 के ऊपर बाई करना निफ्टी को। और 170 के नीचे सेल।
निफ्टी का सीधा लिख देता हूँ यार, थक गया। 12205 अबव बाय, तो ये निफ्टी का दोस्तों लेवल 12205 के ऊपर बाई करना है और 12170 के नीचे सेल करना है। मैं सेव कर लेता हूँ, अब बैंक निफ्टी का भी निकाल लेते हैं। दो सौ चालीस के ऊपर बाई, बत्तीस हजार अस्सी के नीचे सेल। तो ये बैंक निफ्टी का दोस्तों ज़्यादा कुछ नहीं है, साल का नया पहला दिन आपको दिख गया कि मार्केट में कोई हलचल नहीं थी और बैंक निफ्टी तो टूटा ही है ऊपर से और निगेटिव क्लोज ही किया है, और निफ्टी भी एक तरह से निगेटिव क्लोज ही है वो, क्योंकि कैंडल तो रेडी बनाया उसने। तो जय जिनेन्द्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद। लाइक के बटन दबाते रहिए, क्योंकि कल से एक्चुअली ट्रेडिंग स्टार्ट होगी, आज से नहीं हो रही। और अब इंदौर का ट्रेनिंग है 5 तारीख को, फिफ्थ जनवरी संडे 5 तारीख को इंदौर में ट्रेनिंग है। फीस 12,000 रुपये है, ओनली 12,000 फीस इज। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड प्लीज़ व्हाट्सएप 9635476788। इंदौर में 5 तारीख को ट्रेनिंग है संडे के दिन, और 12,000 रुपये ही फीस है, और साइड 3 या 4 सीट बची होगी, 5 सीट बची है, 5 ओनली 5 सीट्स। तो आप लोग व्हाट्सएप कर सकते हो, फ़ोन मत करिएगा और पूछिएगा मत क्या सिखाते हैं, जिसको पूछना है वो मत करिएगा मैसेज, ठीक है। जिसको आना है खाली वही मैसेज करिए। जय जिनेंद्र, जय भोलेनाथ, जय हिंद।